जनपद संभल के चंदौसी के संयुक्त चिकित्सालय में नेशनल डॉक्टर्स डे पर भारतीय मानव कल्याण समिति ने कोरोना योद्धाओं को शॉल उड़ाकर एवं पुष्प माला पहनाकर सम्मानित किया। भारतीय मानव कल्याण समिति के तत्वावधान में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदौसी में कोरोना कर्मवीर योद्धा डॉक्टर्स एवं पैरामेडिकल स्टाफ को सम्मानित करके उनका उत्साहवर्धन किया तथा अस्पताल परिसर में जरूरतमंदों को निःशुल्क मास्क वितरित किए गए। समिति प्रबंधक डॉक्टर टीएस पॉल ने कहा कि डॉक्टर अपनी जान हथेली पर रखकर अपने घर परिवार से दूर रहकर कोरोना काल में 24 घंटे सेवा कर रहे हैं। उनके इस सराहनीय कार्य के लिए उनका उत्साह वर्धन के लिए समिति ने उनको शॉल एवं माल्य अर्पण कर सम्मानित किया है। साथ ही सामाजिक रूप से इनका सम्मान एवं सहयोग करने का आग्रह किया है। वहीं संयुक्त चिकित्सालय के प्रभारी डॉक्टर संतोष कुमार ने भारतीय मानव कल्याण समिति द्वारा सम्मानित करके उत्साह वर्धन करने के लिए समिति के सभी सदस्यों का धन्यवाद किया है। आज का ये कार्यक्रम हमारा भारतीय मानव कल्याण समिति के तत्वावधान में आयोजित किया गया है। कोरोना काल चल रहा है और इस बीच पिछले 3 महीने से लगातार हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ सेवाएं दे रहे हैं अपने घर बार को छोड़कर हम सबके जीवन बचाने के लिए, और कई हमारे साथी इस चीज़ में अपना जीवन दान भी कर चुके हैं। तो आज आपकी सेवाओं के लिए, आपके उत्साहवर्धन के लिए कार्यक्रम समिति के माध्यम से रखा गया है। देखिए, ऐसा है, ये हम पहले तो मानव कल्याण समिति का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस मौके पे हम लोगों को सम्मानित किया। देखिए, ऐसा है, इस वक्त COVID-19 में डॉक्टर्स और सारा स्टाफ ये सब एक अहम भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि इस बीमारी से हर कोई डर रहा है, इस बीमारी से आगे आने के लिए, लेकिन डॉक्टर्स बिना कुछ ये सब सोचे अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों के लिए दिन रात लगे हुए हैं। ना उन्हें कोई किसी तरह का अवकाश है, ना कुछ है, लेकिन वो फिर भी आगे लगे हुए हैं, डॉक्टर्स और सारा स्टाफ। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हमें ईश्वर इस बीमारी से जल्दी ही छुटकारा दिलाए और हम फिर एक अपनी नॉर्मल लाइफ जो है जी सकें।